उन अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल 15 मिनट का समय व्यायाम को और अपने आहार को, स्वस्थ आहार को देना है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आप एक उम्र के बाद तो हड्डियां कमजोर होती हैं, जो स्वाभाविक है, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल और आज जो खान पान है उसमें कम उम्र में ही हड्डियों में कमजोरी आ रही है। हमारी हड्डियां 25 साल तक तो मजबूत होती रहती हैं, लेकिन 35 साल के बाद उनमें क्षरण होना शुरू हो जाता है, यानी हड्डियों में घनत्व तो कम होना शुरू हो जाता है, वो कमजोर होने लगती हैं। और जैसे जैसे कमजोर होती जाती हैं उनमें कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, हड्डियों में दर्द रहना और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी की समस्या आ जाना, जिसमें कि हड्डियों का घनत्व तो कम होता है, हड्डियाँ जल्दी टूटने लग जाती हैं। और ये समस्या महिलाओं में सबसे अधिक है, पुरुषों में आती है लेकिन एक और बड़ी उम्र में आती है, महिलाओं को मेनोपॉज के बाद ही आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो उस समय कैल्शियम का अवशोषण समाप्त हो जाता है। हमें इसके लिए अपने आहार पे विशेष ध्यान देना है। पहले मैं आहार की बात कर लूँ, फिर मैं व्यायाम की बात करूँगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है हड्डियों के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस। तो ये जो विटामिन डी है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों का मुख्य हिस्सा है, इसलिए विटामिन डी चाहिए, जो हमें सूर्य से मिलता है और कई फलों से भी मिलता है। चलिए, वो तो आपको मालूम पड़ गया कि कहाँ से मिल सकता है। अब हमें ऐसा किस तरह का आहार है? आहार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार के माध्यम से हम इन सारे तत्वों की पूर्ति करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के लिए सब आहार हो, जैसे डायबिटीज को मैं बोलूँगी केला, तो वो केला नहीं खा सकेगा, ज्यादा गुड़ नहीं खा सकेगा, तो उनको अपने उसमें से छांटना होगा कि अगर आपको ये इस बीमारी के समय ऐसी समस्या है तो हम क्या लें। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, तिल, नट्स, अंजीर, गुड़, मखाना, इन सब के अंदर कैल्शियम का भंडार है। तो इनमें से जो आपको उचित लगता है आप अपने आहार में, प्रतिदिन के आहार में कुछ न कुछ शामिल करें, इनसे आपको पर्याप्त कैल्शियम मिलेगा। फिर दूध, दही, पनीर, ये तो सभी को मालूम है कि दूध कैल्शियम का भंडार है, लेकिन हमें अधिक इसमें प्रोटीन भी है। प्रोटीन हमको एक निश्चित सीमा तक लेना चाहिए, अधिक प्रोटीन लेने से वो हमारे अंदर नुकसान करता है, हमारे कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, इसलिए। लेकिन हमको प्रोटीन चाहिए तो सही हड्डियों को, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। तो आप पूरे दिन दूध तो नहीं पी सकते हैं, दूध, दही, पनीर एक निश्चित मात्रा में जरूर है, क्योंकि ये कैल्शियम का भंडार है। इसके बाद अनाज में बाजरा, रागी, चना, ये सब कैल्शियम के भंडार हैं। बाजरा की रोटी, रागी की रोटी और ये इसके अलावा मैं आपसे बोली चना, तो इनको अपने आहार में शामिल करके किसी भी रूप में, चने को तो आप भुने हुए चने के रूप में भी खा सकते हैं, बेसन का चीला बना के खा सकते हैं, चने की सब घुघरी बना के खा सकते हैं, और वो तो रोटी के रूप में या इडली के रूप में या डोसे के रूप में आप कैसे भी ले सकते हैं। तो ये तो अनाज की बात हो गई। इसके बाद तो सब्जियों में है पालक, सरसों, मेथी, बीन्स, ब्रोकली। बीन्स में आपको मालूम है क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलिक एसिड, इसलिए बीन्स को भी अपने आहार में जरूर शामिल करें।
चाहे हफ्ते में 3 दिन ले, 4 दिन ले, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज रोज ही रोज ले, रोज ली भी नहीं जा सकती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में तो 3-4 दिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी और अभी सभी खट्टे फल, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम तभी अवशोषित होगा जब विटामिन सी और विटामिन डी दोनों जाए रहेगा, इसलिए हमको खट्टे फल भी लेने हैं। खट्टे फलों में संतरा, नींबू, टमाटर, मौसम्बी और जो जो आप खट्टे फल देख सकते हैं, सारे खट्टे फल जिनके अंदर विटामिन सी भरा हुआ है, वो सब अमरूद वगैरह सब आपके लिए अच्छे हैं। आप इनके प्रयोग से, क्योंकि विटामिन सी चाहिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए, डी के साथ सी होगा तभी कैल्शियम अवशोषित होगा, ये तो आपको मालूम पड़ गया कि आपको क्या खाना है। और उसके बाद नियमित व्यायाम केवल 15 मिनट का, और ये क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या नहीं खाना है। नमक, शक्कर दोनों हड्डियों को कमजोर बनाते हैं, यानी अधिक मात्रा में नमक या शक्कर का प्रयोग, खास करके सफ़ेद चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। उसकी जगह आप गुड़ या फिर खजूर, ऐसी दूसरी चीज़ें ले लें मीठे के लिए। खजूर का गुड़ भी आता है, और भी कई चीज़ें आती हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या चीज़ें बिल्कुल हटानी। दूसरी की सॉफ्ट ड्रिंक, इनके अंदर फास्फेट होता है, फास्फेट आपके शरीर के कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक का न करें। अगर आपकी हड्डियां पहले से ही कमजोर है तो बिल्कुल न करें। इसके बाद मैं बोलूँगी कि एसिडिटी की दवाएं, अगर आप रोज लेने के आदि हैं तो प्लीज़ एसिडिटी की दवाओं से बचें। उसकी बजाय कई ऐसे चीज़ें खाने में हैं जो एसिडिटी को ख़त्म करती हैं। मेरे वीडियो यूट्यूब में बने हुए हैं, वो बिल्कुल अजमाए हुए हैं, आप उनकी सहायता से अपने एसिडिटी को दूर करें। तो एसिडिटी की दवाएं भी, क्योंकि एसिडिटी की दवाओं से आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये जितनी चीज़ें हैं ना, सबके अवशोषण में दिक्कत आती है। तो एसिडिटी की दवाओं से भी बचें। थोड़ा प्रोटीन जरूरी है जैसा मैंने बोला, लेकिन अधिक मात्रा में प्रोटीन भी आपके हड्डियों को नुकसान पहुँचाता है। कैफीन से दूरी बनाए, अधिक मात्रा में अगर कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसे कम कर दें। स्ट्रेस से दूर रहें, शैंपेन, धूम्रपान और शराब, इनसे भी दूरी बनाएं, क्योंकि ये भी आपकी हड्डियों को बहुत नुकसान करते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि क्या हमसे दूर रहना हड्डियों को मजबूत। अगर आप चाहते हैं कि ताउम्र आपकी हड्डियाँ बिल्कुल मजबूत रहें, आप कई बार देखते हैं कुछ लोगों को 90-95 साल के, 100 साल की उम्र में उनका चलना फिरना बिल्कुल आम लोगों की तरह है, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि उनका आहार वैसा है और योग तो वो करते ही हैं। तो इन चीज़ों से दूरी बनाए। अब मैं बताऊँ योग क्या करता है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियाँ हड्डियों के विपरीत खींचती हैं, जिससे हड्डियों में उत्तेजना पैदा होती है, वो हड्डियों को मजबूत रखती है। दूसरा, हड्डियों में भी मेटाबॉलिज्म होता है, व्यायाम करने से हड्डियों को भूख लगती है, और जब वो भूखी होंगी तो कैल्शियम का अवशोषण वो अच्छी तरह करेंगी, सारे मिनरल्स को भी लेंगे। ये तो मैंने आपको बातें बताई, अब मैं आपको कुछ योगिक व्यायाम बता रही हूँ कि जिन्हें करके आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आहार के साथ साथ व्यायाम, मैंने बताया व्यायाम से क्या होता है। एक तो सूर्य नमस्कार तो अपने आप को पूर्ण व्यायाम है, इसमें पूरे शरीर में खिंचाव आता है। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, बाकी आप YouTube में देख सकते हैं, मेरे भी वीडियो है, बहुत सारे वीडियो है। सांस भरते हुए सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन।
मैंने एक बार इसलिए खाली करके बताया कि समय हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप कम से कम बस 6 बार कर लें, बहुत है, 2 मिनट में हो जाते हैं। मैं तो 1 मिनट में 5 बार करती हूँ, आप धीरे करेंगे तो 2 मिनट लगेगा आपको। तो 6 बार का सूर्य नमस्कार भी पर्याप्त है आपके लिए। इसके बाद मैं बोलूंगी तारासन। दृष्टि एक जगह पर स्थिर कर लें सामने और बस उसी पॉइंट को देखते हुए सांस भरे, पूरे शरीर को ऊपर खींचे, ब्रीद आउट एंड कम डाउन। इसका भी 3 से 5 बार अभ्यास करेंगे, मैं 2 बार कर रही हूं। इससे आपके पूरे शरीर की हड्डियों में खिंचाव मिलता है, रक्त संचार तेज होता है। इसके बाद मैं बोलूंगी वृक्षासन। वृक्षासन के लिए त्रिभुज एक पॉइंट पर अभी भी स्थिर कर ले दृष्टि को और उसे देखते हुए पोजिशन मेंटेन कर ले। इससे पांव की मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डियां भी मजबूत होती है। दोनों पांव से बारी बारी से आपको करना होगा। ये था वृक्षासन। ये पाँव की और हाथ की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियां यहाँ की मजबूत होती हैं। इसके बाद मैं बोलूंगी त्रिकोणासन। बहुत सरल आसन है और हर कोई कर सकता है, अभी तक की जितने भी चीज बताई सब कर सकते हैं। हाथ पैरों को जितना फैला सकते हैं फैला दें और ब्रीथ आउट करते हुए एक साइड झुक जाए, हाथ ऊपर सीधा आसमान में है, दृष्टि ऊपर है, आंखें चाहे बंद करें चाहे ऊपर देखें, लंबी गहरी सांस लें छोड़े और राइट लेफ्ट साइड पर रहे, खिंचाव को अंदर से महसूस भी कर लें ताकि आसन का पूरा लाभ मिले आपको। और यहाँ पर आधा मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे होके अपोजिट दिशा में शरीर की हड्डियां खींचती हैं, बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है। बस लंबी गहरी श्वास लेते रहे छोड़ते रहे और यहां भी आधा मिनट रुकने के बाद धीरे से रिलैक्स हो जाए। ये था त्रिकोणासन। अब मैं बोलूंगी वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए आधा से 1 मिनट इस पोज में रुके। देखिए अभी आपको जाना कैसे था, सांस भरना शुरू करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को कान के ऊपर ले आए और धीरे से पीछे की तरफ बैंड हो गए। अब लंबी गहरी सांस ले छोड़े, श्वास प्रश्वास के साथ ही पोस्चर मेंटेन करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार आधा से 1 मिनट रुके और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे, अभी राइट लेग आगे तो लेफ्ट लेग आगे। ये अकेला आसन अगर आप 4-5 बार कर लेते हैं तो शरीर का ऐसी कोई हड्डी नहीं है जिसमें खिंचाव ना मिलता। जितने भी आसन बता रही हूँ ये सब हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन तो सभी कर सकते हैं, केवल हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते। मैं अभी आपको तिर्यक भुजंगासन बताऊं। सांस भरते हुए उठे, ब्रीथ आउट करते हुए पीछे मुड़ के देखे, सांस भरते हुए सीधे, फिर से ब्रीथ आउट करते हुए अपोजिट दिशा में। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं नहीं तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं।
पूरी बैकबोन के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है। और रिलैक्स, इसके बाद एक और सरल आसन है, इसे भी सभी कर सकते हैं, कार्य सेतु बंधासन धारणा के पेशेंट कर सकते हैं, बाकी जितने आसन बताए सब कर सकते हैं। सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाया, लंबी गहरी श्वास भरी, छोड़ी, श्वास पर श्वास रोकना नहीं है, और ब्रीद आउट करते हुए अब एक बार आप कम से कम 2 मिनट के लिए शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर में रक्त का संचार तेज हो गया है उसे महसूस करें, और 2 मिनट के बाद धीरे से करवट बदलते हुए अपनी जगह उठ के बैठ जाए। आपने देखा, मैंने आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बताया, ये 12 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल आराम से हो जाएगा, इतना ही समय देना है आपको, हर अभ्यास 2 से 3 बार, आधा आधा मिनट के लिए करते हैं तो 12 से 15 मिनट से अधिक समय लगेगा ही नहीं, और इस तरह का आहार ये थोड़ा सा व्यायाम। आज मैं भी 70 साल की हो रही हूँ, मुझे कोई कहीं किसी तरह का दर्द नहीं, क्योंकि मैं योगिक अभ्यास प्रतिदिन योगासन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, इसलिए मैं फिट हूँ। मैं चिकनगुनिया हुआ था जरूर, लेकिन पूरी तरह से निजात पा चुकी हूँ बिना किसी दवा के। तो जब मैं अपने आप को स्वस्थ बना सकती हूँ, तो आप अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, जबकि लोग बोलते हैं जेनेटिक बीमारियाँ, माँ को आर्थराइटिस, गठिया सब था, और कुछ मेरी छोटी सिस्टर्स को भी है, तो मेरे को तो नहीं है। योग में बहुत शक्ति है, इसीलिए मैं योगिक अभ्यास की बात हमेशा करती हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर करेंगे और इन अभ्यासों को करके अपनी हड्डियों को ताउम्र मजबूत रखेंगे, ऐसा आहार और ये व्यायाम। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।